ओके okay. एंड ये रहा डॉक्यूमेंट ओके okay. सो so इसके बाद वो कहते हैं नहीं आ, अच्छा हाँ साउंड हाँ यहाँ इंडिविजुअल अच्छा द इंडिविजुअल इवन फैमिली लिव अ सिंपल लाइफ द होम्स वर्क्रक्टेड ऑफ क्ले some type of materials similar to wood and some metal. एक सेकंड मैंने यहाँ पे ये किया है. Let me do this. हाँ, आह कहाँ गया? हाँ, आह some the homes were constructed of clay, some type of material similar to wood and some metal. ek cheez samajh mein nahi aayi एक तो उन्होंने कहा काइंड ऑफ ट्री मतलब ट्री से सिमिलर सिमिलर टू वुड तो पता नहीं वहां की पेड़ भी शायद अलग होंगे द हाउस और मेटल कौन सा मेटल वो स्पेसिफाई नहीं किया द हाउसेज ऑल कर द नाउस ऑल लुक द सेम दे अपियर टू बी समथिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट लुकिंग लाइक अडोब अडोब क्या होता है पता नहीं अडोबी अडोबी ओके The interior of the house consisted of four rooms, one sleeping room where all even slept in the same room on mats, a food preparation room, kitchen, family room, largest house, that means hall, and a small waste room. Oh, bathroom hoga. Hmm. So, wo waha ki ab ye bata rahe hai. कि वहां का जिंदगी या उनके घर वगैरह किस तरीके के होते थे कह रहे उनकी बड़ी साधारण सी जिंदगी थी जिस तरीके की वो जी रहे थे कह रहे उनके घर जो थे वो जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना उसके बने हुए थे आ, लकड़ी जिस तरीके की वो इस्तेमाल कर रहे थे वो लग रही थी लकड़ी लेकिन एक्जैक्टली लकड़ी तो नहीं थी और कहीं कहीं पे धातु का भी इस्तेमाल किया गया था जैसे मेटल वगैरह होता है उसका जो घर थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम सेम ही लग रहे थे देखने में मतलब सारे एक जैसे ही घर थे वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि एक सोसाइटी बनाई है तो वहाँ पे सभी के ही एक जैसे घर हो जाते हैं और ये जो घर बने हुए थे वो अडोबी टाइप के थे अडोबी टाइप के घर वैसे होते हैं जैसे हम लोगों ने गांव वाँव में देखा है ना कि साइड से मतलब मिट्टी का पूरा घर बना हुआ है गोल और ऊपर उसके छज्जा लगा हुआ है जैसे छतरी की तरह तो इस तरीके के वो घर होते थे चारों तरफ से जैसे वो पहले फूस वो फूस डाल के जो घर बना लिए जाते थे ना मतलब गोल है लेकिन फूस टाइप के उसके ऊपर डाले हुए उस तरीके का वो घर बना हुआ है और चार कमरे होते थे घर के अंदर एक कमरा सोने का होता था जहाँ पर सारे के सारे पूरा परिवार सोता था और वो जमीन पे सोते थे मैट बिछा के और खाने का एक किचन होता था जहाँ पे किचन कह लो जहाँ पे खाना वाना बनता था एक बड़ा रूम होता था जहाँ पर मतलब फैमिली रूम जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पे ड्राइंग रूम कहते हैं उसको इस तरीके का था और एक टॉयलेट था उनके घर के अंदर जो जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है लेकिन घर जो थे वो अडोबी टाइप के थे मतलब गोल होगा नीचे जैसे मिट्टी से हम घर पे लीपते नहीं है जैसे गांव में मिट्टी के लीपे हुए घर होते हैं ऐसे गोल है ऊपर से जैसे छतरी टाइप की सी वो फूस बिछा देते हैं ना उस तरीके देख के हाँ पर... देख लो अडोबी देख लो ना अडोबी हाउस डालो ना मिट्टी के हाँ मिट्टी के बने हुए घर जैसे मंक्स वगैरह के होते हैं ना जैसे ये दिखाना आपको ये ये वाला ये ए होम होम एंड गार्डन जरूरी हाँ, है इस... कि उनका राउंड ही हो उन्होंने तो मैम उसी तरीके का ये बता रहे हैं क्योंकि एक्चुअली अडोबी हाउसेस जो होते हैं ना वो इसी तरीके के बने होते हैं मड के मिट्टी के अच्छा हो, सक, हो सकता है फ्लैट भी हो कह नहीं सकते लेकिन हमें जितना पता है अडोबी हाउसेस इसी तरीके के होते हैं लेकिन अगर फ्लैट भी होगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है हालांकि हमने मटेरियल में चीज पढ़ी थी कि ये जो मतलब हमारे चौकोर टाइप के जो घर होते हैं ना जैसे चार दीवार वाले जो घर होते हैं इसके अंदर जो ऊर्जा होती है ना आके फैल जाती है इसलिए इस तरीके के घर नहीं होने चाहिए इस तरीके के अडोबी हाउसेज होते हैं ना इसमें ऊर्जा का संक्रमण बहुत अच्छा होता है डायरेक्ट ऊपर से नीचे पड़ती है इसके अंदर इसके द्वारा

आप ये पढ़ो तो मैं आगे बढ़ू ना हाँ तो वो कहते हैं कि इसकी वजह से हमें एक बड़ी रोचक जानकारी मिली हमारी जो टीम गई हुई थी वो कह रहे कि उनको ऐसा नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि भाई रात को सोए सुबह उठे फिर टॉयलेट जाना ही जाना है कह रहे इस तरीके का नहीं था उनका उनको मतलब ज़रूरत बहुत एक्सट्रीम पड़ेगी तभी करते थे इस तरीके को उनकी मतलब ज़रूरत ऐसी बहुत मेजर नहीं थी उनको और उनके घर के अंदर भी एक छोटी सी जगह होती थी जहाँ पर जो वो मतलब टॉयलेट जाते थे जो भी करते थे वहां पर वो इकट्ठा करते थे उसको और ऐसा नहीं था कि उनकी जो खाना होता था मतलब बॉडी वॉज एक्सफेन इन प्रोसेसिंग हाँ और जो वो खाना खाते थे ना उनका जो खाना जो डाइजेस्ट होता था मतलब जो उनका पाचन शक्ति थी वो इतनी थी कि वो खाने को पूरी तरीके से ही पचा देती थी और उनका जो मतलब पॉटी वगैरह जो करते थे ना वो बिल्कुल ऐसे होता था जैसे बिल्ली करती है ना थोड़ा थोड़ा बस इतना ही निकल इतना ही होता था उनका और उसको भी इकट्ठा करके रखते थे अपने घर के अंदर किसी एक जगह पे जो भी उनका टॉयलेट वगैरह होता था आगे मैम। म्यूट म्यूट पे हो आप? हाँ सॉरी सॉरी तो सम मॉडरेटर हैंडल्ड इट आई देर इज नो मॉडरेटर ऑन माय चैनल ठीक है दिस ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर आर टीम अच्छा ये तो बिल्ली की तरह our team members never saw any urine excretion from an even. on the other hand, our team members' wastes consisted of <laughs> bulk quantity of both fecal and urine. the even's had to dig large waste reception sites for our 12 team members' waste. the even's accommodated our team. hi, bhagwan. Uh... वो कह रहे हैं कि वहां के जो लोग थे ना जैसे हमारे यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं एक तो नंबर वन और एक नंबर टू टॉयलेट में जाने के लिए मतलब सूचू एंड पॉटी तो वो कह रहे हैं कि हमने हमें उन्हें कभी सुसु करते हुए देखा ही नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो ऐसा कुछ करते हैं तो इससे ये उनको लगा कि यार ये करते भी हैं या नहीं करते हैं या इनका होता ही नहीं है इस तरीके का को कोई सिस्टम और जबकि इसकी दूसरे इसके विपरीत अगर हमारा देखा जाए जो हमारी टीम गई हुई थी वहां पे वो तो सूसु भी कर रहे हैं ये सारी चीजें भी कर रहे हैं पॉटी भी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं तो जो इवन वहां के जो लोग थे ना उन्होंने अलग से उनके लिए एक जगह बनाई थी कि तुम भैया तुम जो तुम्हारा जिस तरीके का ये बॉडी का सिस्टम है ना ये तो तुम बहुत ज्यादा करते हो तो इसलिए उनके लिए अलग जगह बना के उनको दी थी ताकि वो लोग उस जगह का इस्तेमाल कर सकें अपने टॉयलेट और ये सारी चीजों का अः करने के लिए आई वंडर इनकी टॉयलेट्स भी हमारी जैसी होंगी क्या Or uh, drainage time. system B. Food, as a I time. mentioned previously, was a problem for our team members. Our team consumed mostly military style C rations, but eventually had to switch to even food. The Evens had a variety of food items. They grew vegetables. Our team found some simil items similar to potatoes, but they tasted different. They had some type of lettuce, turnips, tomatoes. They were the only items similar to ours. Evens had other vegetables grown. हाँ तो इसमें वो कह रहे हैं अगर खान पान की बात की जाए तो खाने की हमें काफ़ी दिक्कत हुई वहां पे हमारी टीम को वो कह रहे हैं उनका जो मिलिट्री का वो जो पैक पैक फूड होता है वो लेके गए थे वो ज़्यादातर तो उन्होंने वही खाया लेकिन बाद में उनको उनके खाने के ऊपर मतलब उस ग्रह के लोगों के खाने के हिसाब से अपने आप को मूव करना पड़ा स्विच करना पड़ा वो कह रहे हैं उनके यहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग तरीके के खाने थे काफ़ी वैरायटी तो थी उन्होंने उनके वहां पे सब्जियां भी वो लोग उगाते थे और कोई एक चीज थी जो कि बिल्कुल आलू के जैसी लगती थी लेकिन वो टेस्ट में आलू के जैसी नहीं थी खाने में मतलब वो कहने रहे के लेट्यूस को हिंदी में क्या बोलेंगे मैम सलाद के पत्ते हाँ सलाद के पत्ते टाइप की कोई चीज थी एक तो वो उन्हों, उन्होंने क्या के कहते हैं उगा, उगाया हुआ था शलगम सलाद के चल्ग... पत्ते और टमाटर हाँ और टमाटर जैसे थे हाँ वो हमारे जैसे हाँ, थे

The Ebens literally milked the tree for liquid it appeared to be some sort of pleasure to drink the stuff uh, मैम ये आप explain करोगे एक मैं पानी पी लेता वो कहते हैं कि वो जो और सब्जियां भी उगाते थे वो थोड़ी अजीब सी थी मतलब ऐसे गोल-गोल सी थी बड़ी-बड़ी और उसकी लंबी-लंबी तनिया थी जैसे लॉन्ग uh, वाइनज होती हैं ना मतलब जैसे पौधा लकड़ी के सहारे से ऊपर चढ़ जाता है इस तरह से लंबा तो वो लोग वाइन्स जो है उसको तो वो पका के खाते थे और वो जो गोल सा जो फ्रूट टाइप का कुछ पोशन होगा या रूट होगा पता नहीं उसको कच्चा खाते थे उन वो लोग एक सफेद रंग का कुछ तरल पदार्थ पीते थे जो पहले हमने सोचा कि दूध है लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये दूध नहीं है इसका स्वाद और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल अलग है और ये दूध जैसी जो चीज थी ये उत्तरी ग्रह के उत्तरी पोर्शन में एक पेड़ एक तरह का है उससे निकालते थे और उस पेड़ का दूध निकाल कर उसको पीते थे और इसको पीने से उन्हें जैसे ताड़ी पीने से मस्ती चढ़ती है तो एक तरह से उन्हें खुशी मिलती थी मस्ती चढ़ती थी हां मतलब मस... ये उनके उनके वहां की एक तरीके का मतलब ये हां तो मतलब शराब जैसी थी वहां की आर टीम रियली गॉट अ टेस्ट फॉर द लिक्विड हमारे टीम को कभी अच्छा नहीं लगा दूंगा पूर, पूरा पढ़ लो आप the cooked food फूड made

कहते हैं हम लोगों को तो कभी उसका टेस्ट मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या है तो हम इतना ज्यादा उसके अंदर गए नहीं हालांकि वो लोग खाना बनाते थे मतलब कुक करते थे जैसे हम लोगों के यहाँ पर भी खाना बनाया जाता है वैसे वो भी खाना बनाते थे कुछ सूप टाइप की कोई स्टू टाइप के जैसे हम लोग भी बनाते हैं ना स्टू बना दिया वेजिटेबल स्टू ये स्टू वो स्टू इस तरीके का वो बनाते थे लेकिन वो हमारी टीम के लिए जो था वो बिल्कुल भी टेस्टलेस था मतलब उसके अंदर कोई टेस्ट आता नहीं था मतलब मजा नहीं आता था उसको खाने में इसलिए उसको खाने के लिए भी उस सूप को पीने के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा नमक और काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना वो डाल के उसके अंदर हम लोग पीते थे इसको और एक तरीके की ब्रेड होती थी जैसे हमारे यहाँ रोटी वगैरह हम लोग खाते हैं कहते हैं इस तरीके की कोई ब्रेड थी उनके यहाँ पे लेकिन जैसे हमारे यहाँ ब्रेड फुला के फूल जाती है ना उसके अंदर यीस्ट डालते हैं हम लोग कहते हैं कि वैसी नहीं थी यीस्ट डाल के मतलब फुलाने वाली टाइप की नहीं थी लेकिन हाँ टेस्ट में तो अच्छी थी लेकिन उसको खाने के बाद ना हम लोगों के पेट खराब हो गए सबके इसकी वजह से हमें इतना पानी Cubs पीना पड़ता था कब्ज हाँ मतलब कब्ज कब्ज हो गई थी उनको तो कह रहे इतना ज्यादा पानी पीना पड़ता था उसको खाने के बाद उस ब्रेड को खाने के बाद कि मतलब क्या ही बताए काफी मतलब <laughs> पानी पीना पड़ा उनको The one common food that Ibn's and our team members liked was the fruit. The Ibn's ate a great quantity of fruit. The fruit, although different from anything we saw, was sweet. Some of the fruit tasted tasted something like like melons, while others tasted like apples. हाँ तो कह रहे लेकिन एक चीज हम लोगों के बीच में थी जो कि कॉमन थी कि वो लोग भी खाते थे और हमारी टीम भी खाती थी वो थे फल फल तो वो जो फल खाते थे उन वो लोग भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में फल फ्रूट वगैरह खाते थे और लेकिन हालांकि उनके जो फल थे ना जितने भी थे वो मतलब स्वीट मीठे हुआ करते थे और वो कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसे होते थे जैसे हमारे यहाँ पे तरबूज होता है ना

कह रहे उनके यहाँ का जो पानी था उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल थे जो कि मतलब हमारे यहाँ के उसमें नहीं मिलते तो कुछ ज़्यादा मतलब केमिकल जो हमें पता नहीं थे इस तरीके के केमिकल थे उसके अंदर तो हम लोग क्या करते थे तो उस पानी को उबाल लेते थे और उबालने से उबालने के बाद उसको पीते थे जब उन्होंने देखा कि हम लोग पानी उबाल के इस तरीके से पी रहे तो उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया वहाँ पे और उसके अंदर फिर वो पानी पूरा प्रोसेस होकर आता था जैसे आज की डेट में लोग बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं वाटर प्यूरीफायर और ये वो लगा देते हैं ना तो कहते कि इस तरीके का काफी बड़ा प्लांट लगा दिया, फिर उसमें प्रोसेस आता था पानी, जो हमारी ज पीरियडुल्जैक्टीट विदाउट

क्योंकि जब आप देखो यहाँ से जब गए होंगे तो उसने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा ना कि इस डेट को हम लोग निकले हैं और जब वापस आए होंगे तो उस डेट का भी उन्होंने लिखा होगा और उसके अंदर मेंशन है कि पचास प्रतिशत तक जो बात हो पाई ना मतलब जितनी बात हुई ना उनका पचास प्रतिशत तक ही था जो उन लोगों को समझ में आया और कुछ ऐसी चीजें थी जो वो लोग समझ ही नहीं पाए या उसके ऊपर वो बात ही नहीं कर पाए वहां पे

ऐसा कोई इक्विपमेंट लेके गए थे ताकि वहां पर जाए तो बोर ना हो अगर बोर हो तो सॉफ्ट बॉल से खेल लें तो कहने लगे वो लोग हमें देख रहे थे जब सॉफ्ट बॉल से खेलते हुए तो बड़ी तेजी से हंस रहे थे बहुत खुल मतलब खिल खिलाकर हंस रहे थे और वो उनकी जो हंसी थी ना वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे चीख जैसे कोई बहुत से रहा हो हा, हा, हाँ, करके ऐसे कर रहे थे वो इस तरीके की उनकी हंसी थी और वो कहने लगे लेकिन बाद में जाके ना वो भी हमारी इस खेल को खेलने लगे लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ये जो बॉल होती है ना ये कैच भी करनी होती है क्या होता है सॉफ्ट बॉल क्या होता है हवा में फेंकी जाती है और उसको कैच करना होता है तो वो क्या करते थे उनको लगता था शायद ये बॉल हवा में ही फेंकी जाएगी ऊपर से नीचे आके गिरेगी और बस हाथ खोल के खड़े हो जाते थे अब वो नीचे गिर रही है सर के ऊपर लग रही है कहीं कुछ हो रहा है तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी और वो हंसने लग जाते थे एकदम से हाँ करके हंसने लग जाते थे कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना उनके ऊपर कोई बॉल ऊपर हवा में फेंक दी बस वो देख रहा है वो कैच नहीं कर रहा है वो देख रहा है यहाँ चलो ऊपर से नीचे गिरनी है बॉल और हंसते थे जब बॉल नीचे गिरती थी तो ये उनका खेल थाम like so चीज उन्होंने फुटबॉल के साथ की कि ये जो इवन जो लोग थे उन्होंने उनको फुटबॉल खेलते हुए देखा यहाँ के लोगों को तो फिर वो भी उसको देख देख के करने लग गए फुटबॉल करने लग गए

अलाउ किया गया कि हाँ भाई तुम देख लो हमारी टीम गई भी उन लोगों के यहाँ पर ये देखने के लिए भी कि ये लोग आपस में जो प्रेम क्रिया करते हैं वो कैसे करते हैं तो वो प्रेम क्रिया करने के लिए जो ऑर्गन्स उनको भगवान के द्वारा या जो भी है उनको दिए गए थे सबके एक जैसे थे ऐसा नहीं था जैसे कि हम लोग में फीमेल का अलग होता है मेल का अलग होता है उनका ऐसा नहीं था उनका सबका ही एक जैसा था और अब भगवान जाने मैम वो उनकी अब उनकी अब मतलब तो मैम पता नहीं क्या डांडिया कर रहे तो के हैं उनका वो है क्या के कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो थी ना कि कितने टाइम से कितने टाइम तक वो लोग करते हैं वो इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की कि भाई ये जो इनका ये प्रेम क्रिया जो इनकी चलती है वो कितने समय तक चलती है कितनी लंबी चलती है और इनका मतलब टीम का मानना यह था कि हाँ ये इसे खुशी के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए इस क्रिया को करते थे पोस्टिंग सेवन बाय एनोनिमस सेवनटीन नवंबर टू थाउजेंड फाइव यर आर सम जियोलॉजिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग सरपो आर टीम मेंबर्स कंपाइल्ड प्लान ये देखो सुनो सुनो इसका कोई फायदा है नहीं क्योंकि अब ये ना ये बताएगा अगर देखो पता नहीं लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए उनके ग्रह नहीं है वैसे मतलब मेरे हिसाब से ज्योग्राफी ज्योग्राफी किस तरीके की है भाई उनका मतलब ग्रह का डायमीटर कितना था सात हजार दो सौ अट्ठारह माइल का था ग्रेविटी थी वहाँ पे कितनी थी गुरुत्वाकर्षण कितना था नॉर्थ पोल पे क्या था साउथ पोल पे क्या था अगर ये किसी को जानना हो तो आप डॉक्यूमेंट लेना आप पढ़ लेना को जी हाँ, बेटर है ये ये इतनी ज्यादा वहाँ पे क्या क्या चीजें थी सल्फर जिंक कॉपर और ये काफी पानी में मिला। भी थी। हाँ ये पानी के अंदर उनके काफी ज्यादा मिला सल्फर जिंक और कॉपर ये ज्यादा था और केमिकल्स हाँ और दूसरे हिस्से में वहाँ पे काफी सारे वो भी थे ज्वालामुखी वगैरह भी थे उनके यहाँ पे और uh, ये ये वाला ये वाला पैराग्राफ कर लो जरूरत तो नहीं है वैसे जरूरत नहीं है इसकी भी मतलब हम मिट्टी में क्या के कहते हैं रास्ते बने हुए हैं जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना रेगिस्तान में भी कुछ कुछ जगहों पे मतलब चीजें उग जाती हैं सब अच्छा, सब क्या तो नहीं कह सकते लेकिन उगती है इंटरेस्टिंग है द टीम फाउंड द फर्स्ट सर्पो एनिमल इन दिस रीजन इट लुक्ड लाइक एन आर्मेडिलो जैसा रेगिस्तान में पाया जाता है द टीम फाउंड अ फॉर्म ऑफ बैडलैंड्स लैंड्स एन एरिड रीजन दैट इज लाइनड विद डीप गलिस एंड स्पार्स वेजिटेशन गलिस और वैलीज वर एक्सट्रीमली डीप गोइंग डाउन 3000 फीट

तो आ, वो हाँ तो वो कह रहे कि इस तरीके का वो जानवर था जो उनके ऊपर काफी बार उसने अटैक करने की भी कोशिश की तो जो इनके साथ ये जो इबन लोग थे जो इनके साथ जाते थे इनको गाइड करते थे तो उनके पास एक ना एक जैसे हम सीटी बजाते हैं ना मतलब एक सीटी टाइप की होती है इस तरीके का था लेकिन वो सोनिक सा, मतलब साउंड डायरेक्टेड एक बीम वेपन तो नहीं कह सकते उसको एक उसके अंदर से बीम निकलती थी वो बीम निकल के जाके उसके पास लगती थी तो वो उससे डर जाता था और फिर वो दूर भाग जाता था तो आप जानवर को भगाने के लिए भी उनके पास वो बीम वगैरह साउंड वाली चीजें होती थी तो सीटी को वो बजाते थे उससे वो डरता था और फिर वो भाग जाता था वहां से मूविंग टू द इक्वेटोरियल रीजन जब ये बोल रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन नॉर्थ पोल साउथ पोल इसका मतलब के उनका प्लेनेट स्फीयर था गोल था राइट right? हाँ गोली था गोली था हाँ Moving to the equatorial region, our team found desert-style landscapes which contain patches of vegetation. ये आगे चलें ये उनका कैसा था कैसा हाँ ये सब ये बता रहे कि वहाँ पे मतलब क्या क्या होता था और वेजिटेशन मतलब कैसी थी वेजिटेशन किस तरीके की होती थी प्लांट क्या थे और ये वो सारी चीजें थी किसी हाँ. को पढ़ना हो तो पढ़ लेना ये

कई कुछ जगहें थी जहाँ पे टेम्परेचर जो था काफ़ी ठंडा था वहां पे पेड़ पहाड़ पौधे पहाड़ भी थे हाँ जिन जो पंद्रह हज़ार फीट की हाइट तक के मतलब अराउंड थे ये तो खैर इंडिया के हिसाब से तो मतलब हमारे धरती के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बहुत ही कम है ये, मतलब अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वो अकेली मतलब अट्ठाईस हज़ार फीट की है तो इससे तो छोटे ही थे लेकिन हाँ एक नॉर्मल हमारे यहाँ के पहाड़ी रीजन जो होता है उस तरीके के वहाँ पे पहाड़ थे काफी जैसे हमारे यहाँ पे हम गांव वगैरह में निकल जाते हैं तो काफी वो होती है ना खेती हरी हरी खेती होती है और घास उगी होती है और तो उस तरीके का था उनके अंदर मतलब इतने बड़े बड़ी फील्ड थी और तो उनके अंदर जो थे कुछ चीज उगी हुई थी अब वो क्लोवर टाइप की थी कुछ मैं क्लोवर फील्ड थी मैम क्लोवर क्या होती है अब ये उसके बल्कि क्लोवर होते हैं। मतलब वो आ, एक पत्ता होता है एक पेड़ होता है मैं दिखाती हूँ उसके वो जैसे आ, आप आप क्लोवर फील्ड्स दिखा दो क्लोवर फील्ड्स से लोगों को पता चल जाएगा कि इस तरीके की फील्ड्स होती थी वहां पे जब वो लोग देखते थे कि ये कहां मतलब हाँ इस तरीके की हरियाली टाइप की होती थी कुछ जगहों पे क्लोवर मतलब, ये दूर होता दूर है दिस इज क्लोवर हां इस तरीके का कुछ होता था हां Okay, yeah, He yeah, hypothermia. The team brought नहीं. back hundreds of samples of serpo soil, vegetation, water, and other uh. items for testing. They discovered hmm. numerous types of animals. The strangest was the beast, which looked like a uh, large ox. The animal was timid and never seemed to be hostile. Another animal looked like a mountain lion, but had long fur around the neck. The animal was curious, but not hostile. हाँ तो वही बता रहे वहाँ की जब ये वापस आए तो वहाँ की मिट्टी लेके वहाँ की वेजिटेशन और ये सब लेके आए वहाँ पे एक अजीब सा मतलब बीस्ट मतलब काफी बड़ा जानवर था जो देखने में मतलब भैंसे की तरह था लेकिन उसके काफी सारे बाल होते थे ये सारी चीजें होती थी तो लेकिन वहाँ के लोग उससे डरते नहीं थे तो आप एक तरीके से याक होती है ना उस तरीके का समझ सकते हो तो उस तरीके का था वो कुछ आगे ये लिखा है ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्वाड्रेंट क्वार

तो वहां पर गए हुए थे तो वहां पे उनको एक बहुत ही बड़ा सांप दिखा सांप के जैसी कोई चीज थी वो तो वहां के लोगों का ये कहना था कि ये बहुत खतरनाक होता बहुत डेडली होता मार देता है और उसका जो था ना सर काफी बड़ा था आंखें जो थी ना इंसानों के जैसी थी जैसे हमारी आंखें होती है ना इस तरीके की उसकी आंखें थी और वो कह रहे कि वो ही वो टाइम था पहली बार जब हम लोगों ने वहां के लोगों का जो उनके हथियार होता है ना उससे लेके इस तरीके का एक जानवर सांप हम लोगों ने मारा था इन लोगों ने मतलब उनका वेपन लेके चलाया था वहां पे um... अच्छा देंट अपियर टू बी अपसेट किलचर बट वॉज अपसे यूज अ वेपन द टीम ब्रॉड फॉर उनका वेपन लेके नहीं चलाया था यहां पर वो ये बोल रहे कि इन लोगों ने मतलब वहां के लोग जब इन्होंने उसको मारा उस जानवर को उस सांप को मारा तो इनको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या के कहते हैं बुरा लगा हो कि भाई तुमने हमारे यहाँ का जानवर मार दिया लेकिन उनको इस बात से अपसेट हो गए कि तुमने मतलब जो हथियार है इसका इस्तेमाल क्यों किया क्योंकि ये पॉइंट फोर फाइव कैलिवर कोल्ट की मतलब हैंडगन लेके गए हुए थे जो मशीन गन होती है एम टू की कार्बाइन राइफल्स राइफल लेके गए हुए थे एम टू कार्बाइन राइफल्स होती हैं वो लेके गए हुए थे तो इस चीज़ से वो अपसेट हो गए थे कि तुम्हें हमारे ग्रह पे आने के बाद ये वेपन यूज नहीं करने चाहिए थे ये जो तुम हथियार लेके आए हो तो फिर यहाँ पे जब इन्होंने उस जानवर को डाइसेक्ट यानी उसको काटा और उसको एग्जामिन करने की कोशिश की लोगों ने मतलब ये जो गए हुए थे तो इन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा अजीब था ये तो सांप मतलब धरती के जैसे सांप के जैसा नहीं है एनाकोंडा की तरह ये करीब करीब पंद्रह पंद्रह फुट लंबा था और दे, मतलब डेढ़ फुट का तो उसका डायमीटर था इतना इतना चौड़ा था वो तो एनाकोंडा जैसा ही था

ये यार क्या करने गए थे वहां पे <laughs> 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 कह क्या, क्या रहे कि जब उसको एग्जामिन करने लगे उसको देखने लगे उसकी आंखें जो थी इंसानों के जैसी थी फिर उन्होंने देखा कि ये जो आंखें थी ना आयरिस मतलब आयरिस क्या होती है आंखों हो की ये कौर, कौर, के अंदर मतलब होता अंदर जो काला वाला होता आ, है ना आंख में हाँ काले के अंदर भी एक छोटा सा होता है ना हा, हा, हमारी आंख के अंदर कहते वो था वो उसके अंदर एक बहुत बड़ी एक नर्व थी Uh, क्या बोलेंगे नस नर्व, नस, नस थी नस थी वो जा रही थी जैसे ऑप्टिक नर्व हमारे मतलब हमारे अंदर होती है ना इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर इस तरीके की थी सर काफी जो उनका ब्रेन था दिमाग था वो काफी बड़ा था जब उन्होंने से काटा और लेकिन धरती का जो सांप था ना उससे तो बिल्कुल अलग था इसलिए उसकी आंखों को देख के थोड़े हैरान हो गए थे कि अरे तो बिल्कुल हमारे इंसानों के जैसी आंखें हैं अः हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक इंसान की आंखों के जैसा ही है ये हालांकि ये जो टीम गई हुई थी इन्होंने पता है वहां क्या बोला इन्होंने बोला कि हम लोगों को इसका मीट खाना है तो क्या हम खा सकते तो हैरान हो गए कह रहे नहीं नहीं भैया तुम अपने वहां कर लेना तुम्हें जो करना है कह रहे उन्होंने मना कर दिया शांति से कि भाई यहाँ ये तुम्हारा खान पान नहीं चलेगा साफ माफ खाना तुम अपने ग्रह पे कर लेना ये सब कुछ तो उन्होंने उसे उन्हें मना कर दिया था <laughs> पर वो जहरीला होगा इसलिए भी तो बना हो हो सकता है मना किया हो मैम बात जहरीला का नहीं है ना यहाँ पर भी तो सांप को मार के खाने कई जगह पर है खाते हैं तो वहां पे क्या के कहते हैं एक से, वहां पर भी लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब हमारे यहाँ पर तो खाते हैं बाकी कुछ कह नहीं सकता एक सेकंड रुकना जरा जी आ, एक हमारे। ये आप कंटिन्यू करो जरा ठीक है तो पोस्टिंग uh, सेवन इसमें भी देखती हूँ अच्छा हाँ तो उनके उन, एक तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ समुंदर नहीं है फिर भी वो कहते हैं कि वहां पे जो पानी था बॉडीज ऑफ वाटर ऑन सर्पो उसमें मछलियां नहीं थी और कुछ सम uh, बॉडीज पानी जो इक, इक्वेटर के पास जो था उसके अंदर बहुत अजीब दिखने वाले कुछ चीजें थी अब क्रीचर्स थे Uh, जैसे कि समुद्री सांप होते हैं कुछ इस तरह से ईल्स जो होते हैं आठ दस फुट लंबे और ऑफ uh, द और जो मतलब सांप ही जैसे थे और uh, वहां पर एक तरह का एक जंगल था जहां पर मार्शलैंड को क्या बोलते हैं दलदल जैसी जगह होती है आ, बहुत बारिश होती है जहां बहुत पानी भी होता है और वहां हरियाली भी होती है बट नॉट दंगल लेकिन वो हमारे जंगलों की तरह नहीं थे अलग थे जहां तक उनके हथियार जो वो इस्तेमाल करते थे उसके ऊपर इन लोगों की आपस में काफी लंबी बातचीत हुई अंत में इवेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था तो हमारे टीम मेंबर्स ने डिसाइडेड टू टेक सम तो हमारे टीम मेंबर्स uh, थोड़े से हथियार अपने साथ लेकर चले लड़ने के लिए नहीं लेकिन आ, हमारे टीम मेंबर्स कम थे और वो लोग ज्यादा तो अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने साथ रखते थे ये जो बारह थे ये मिलिट्री के मेंबर्स थे तो जब उनके पास हथियार होते थे तो उन्हें सुरक्षित महसूस होता था ये याद रखना दे ओनली टू फिफ्टी एमिनेशन पर हैंड गेड राउंड ये याद रखना के वो बहुत कम आ, मतलब जो बुलेट्स वगैरह होती है वो बहुत कम ले गए थे अपने साथ

ठीक है ना जैसे हमारी धरती के आसपास है बस वही छोटी मोटी चीजें बताई है इन लोगों ने लेकिन बाद में कैलकुल वो इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेशन उसने बाद में उस रिपोर्ट के अंदर है सारी चीजें उस रिपोर्ट के अंदर है हालांकि हम क्या करेंगे इन कैलकुलेशन का एक मिनट पता नहीं कौन है ओके okay. सॉरी uh, uh, आगे चलो इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिव ऑनगोइंग डिबेट रिकॉर्डेड इन द कमेंट सेक्शन पा ये करना है क्या कैप्लर्स लॉ वाला कैपिटल्स uh, लॉ वाला भी हम लोग कर चुके हैं पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पोस्टिंग uh, एट बैकग्राउंड अब आई प्रोवाइडेड अपा एक मिनट ये लेना जरा मैं आई अच्छा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बैकग्राउंड चल रहा है तो ईब e वन मतलब इसमें बैकग्राउंड ये है कि प्रोवाइडेड अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउड अस टू कांटेक्ट सर्फो दिस कम्युनिकेशन डिवाइस वाज ऑन बोर्ड द ईबन क्राफ्ट दैट क्रैश इन जुलाई 1947 ईयर कोरोना न्यू मैक्सिको ईब ईब नंबर वन शोड अस द प्रॉपर यूज ऑफ दिसन डिवाइस आए थे ना तो उनके जो मतलब उस जिस क्राफ्ट में जिस विमान में वो बैठ के आए थे ना उसके अंदर से इनको एक डिवाइस मिला था मतलब एक चीज मिली थी रेडियो या कहलो उस तरीके का मिला था जिससे वो अपने ग्रह को संपर्क करते थे तो वो कहते हैं ये तब हुआ था जब उन्नीस में करोना न्यू मैक्सिको जो जगह थी वहां पर ये क्रैश हुआ था तो जब ये क्रैश हुआ तो इनको जब ये मिला ना तो ये काम कैसे करता है ना उस ग्रह के लोगों से बातचीत करने के लिए ना वो मरने से पहले उस जो एक जो इन लोगों ने पकड़ लिया था मरने से पहले उसने सारी जानकारी दे दी थी, थी कि हाँ ये काम कैसे करता है फिर आगे वो कहते हैं हाउ एवर द डिवाइस डिड नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड नो कॉन्टैक्ट कुड बी मेड विद सर्पो एक एनर्जी सोज फाउंड इन द्राफ्ट टू दम्युनिकेशन विदिन लैंग्वेज इनपुट सैवर सिग्नलिंग द समर ऑफ 1952 टू इन अर्ली फॉल ऑफ नाइन रिसीव सैवरल सिग्नल ऑन द डि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये उन्होंने कहा कि ये जो डिवाइस था ना पहले तो काम नहीं कर रहा था जो इनके हाथ लगा बाद में जाके चलो ठीक है इनको सिखा दिया गया हो कह रहे लेकिन मरने से जस्ट पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट था उसने पता कर लिया था कि हाँ मतलब लॉस एलोमेस में जो इनकी फैसिलिटी थी वहां पे उसने पता कर लिया था कि ये डिवाइस काम कैसे करता है और इस डिवाइस को काम करवाने के लिए उसके अंदर जो वो एनर्जी सोर्स लगा हुआ था ना जो जीरो पॉइंट एनर्जी डिवाइस था जब उसको इससे कनेक्ट करते थे ना तब ये कम्युनिकेशन डिवाइस काम करने लग जाता था तो जब ये कम्युनिकेशन डिवाइस काम करने लग गया ना तब इन लोगों ने मतलब 1952 में 1952 की बात हो रही है उस समय के मतलब गर्मियों के दिनों में तब इन्होंने उन्हें कॉन्टैक्ट करना शुरू किया उस ग्रह के लोगों को जब कांटेक्ट करना शुरू किया तो उन्नीस में थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा बाद में उन्नीस सौ में ही तब इनको काफी सारे सिग्नल उस ग्रह से रिसीव हुए ये वो जानकारियां हैं जो वहां पे जाने से पहले इस धरती के ऊपर हो रही थी फिर कहते हैं विद इन्फॉर्मेशन ई वन सेंट सिक्स मैसेजेस तो जब यहाँ से वो मतलब जानकारियां भेजी गई उनके ग्रह के ऊपर तो ये जो इवन यहाँ पे इन्होंने पकड़ा था उसने कुछ छह मैसेजेस थे इसी डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने ग्रह पे भेजे थे तो उसने जो छह मैसेज भेजे थे वो ये छह मैसेज थे जो उस अपने ग्रह पे भेजे थे मैम थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हाँ ये पहला मैसेज उसने ये कहा था कि पड़ो? पहला मैसेज उसने ये आ, नहीं नहीं कोई नहीं पहला मैसेज उसने ये बोला था कि वो जिंदा है दूसरा मैसेज में उसने ये बताया था कि भाई हमारा जो विमान है वो क्रैश कर गया है वो गिर गया है और हमारे छह लोगों की मृत्यु हो गई है ठीक है ती, तीसरा मैसेज उसने यह भेजा था कि हमें यहाँ से निकालो मतलब हमारा रेस्क्यू कराओ यहाँ से फिर उसने चौथा मैसेज ये भेजा था कि धरती के जो लीडर्स है ना अभी कौन से लीडर्स हैं किसकी मीटिंग हुई है ये नहीं लिखा है यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है यार धरती के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक फॉर्मल मीटिंग हो इसके लिए उसने एक सजेशन भेजा था और फिर उसने पांचवा मैसेज भेजा था कि आप लोगों के साथ धरती के लोग मतलब हमारे ग्रह के साथ धरती के लोग एक एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहते हैं कि हम आपसे क्या सीखें और आप हमसे क्या सीखें तो ये सारी चीजें ये सारी हुई यहाँ पे वो कहता है इट इज बिलीव दैट बट नॉट डॉक्यूमेंटेड दैट इज यू एस मिलिट्रीड टू वन दटेंज फ्रॉम बी सेटअप विच वुड अलाउ आर पीपल टू विजिट द एक्सचेंज कल्चर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल ड्यूरिंग अ स्पेस ट्रिप बाय एन अमेरिकन मिलिट्री टीम इवेंचुअली वी केम नोन एज द टीम मेंबर्स इसका खैर कोई फायदा तो नहीं है लेकिन यहां पर वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ का जो मिलिट्री केयर टेकर था जिसने इस ईवन को इसका ध्यान रखा था ना यहाँ पे या कह लो इस, इसका इनको वो बोलते हैं हैंडलर्स जो हैंडलर था ना इसका उसने क्या कहते हैं इसको बोला था कि हम चाहते हैं तू अपनी टीम से ये बोल अपने घरे के लोगों से ये बोल कि हमें एक एक्सचेंज प्रोग्राम करना है तुम लोगों के साथ ताकि हम ये आप एक दूसरे से अपनी कल्चर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एस्ट्रोनॉमी और ये सारी चीजें हम तुम लोगों से एक्सचेंज कर सकें और बाद में मतलब ये टीम मेंबर का पार्ट बन गया था ये भी उस टीम का पार्ट बन गया था कोऑर्डिनेट uh, बाकी छठा मैसेज में उसने वहां के धरती के कोऑर्डिनेट दे दिए थे कि कहाँ पे मिलना है कैसे मिलना है टाइमिंग क्या है उसके हिसाब से उसने सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दी थी ये आगे चलू क्या मैकेनिक नॉट अ साइंटिस्ट अच्छा उस जो यहाँ पर जो धरती पे जो था ना उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि वो एक मैकेनिक था वो साइंटिस्ट नहीं था वो जो यहाँ पर आया था जिसको पकड़ा था इन्होंने मतलब उस क्राफ्ट का मैकेनिक था वो जैसे होता है ना कि क्राफ्ट में लेके जाते हैं प्लेन में लेके जाते हैं तो एक मैकेनिक भी साथ में रखते हैं इस तरीके मकेनिक का साइंटिस्ट होता है जैसे हाँ हाँ बिल्कुल मतलब वो नहीं बोलते उस्ताद जी उस्ताद जी जो करता रहता है उस उस, तरीके का था वो कुछ हम्म खैर बाकी मैम आगे देखते हैं कि कहा से शुरू करना है कहाँ से नहीं करना है आज वैसे भी काफी लंबा सेशन खिंच गया है ये अभी कितना टाइम हो गया इसको करते करते इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सी घंटा तो हो ही गया हाँ, तो इसमें से देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट uh, है जो कि हम लोग शेयर कर सकते हैं बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है ओके आ, सीजन चेंज होता है तो बीमार होते हैं या क्या उन इंसानों के स्पेस स्पेसूट नहीं पहनना पहना क्या पता नहीं आई डेंट अंडरस्टैंड प्रदीप वोट इज सेट इंसानों को दिक्कत नहीं uh, हुई जब हमारे यहाँ सीजन चेंज होता है तो बीमार होते हैं क्या उन इंसानों ने स्पेस सूट नहीं पहना था या, या प्रदीप जी इसके बारे में ना इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि उन्होंने स्पेसूट स्पेस सूट पहना या नहीं पहना अगर होती तो हम डेफिनेटली आपको बताते ठीक है चलो फिर ये आज के लिए बस हो गया कल करेंगे सेशन अभी के लिए नाउ गुड बाय थक गई हूं मैं भी कल से बैठी बैठी थक गई हूं बाय इसको भी आ,